श्रीकाल जी सारे अज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन विषय है एक तो हाल ही जी एनईसी बैठक हो के हटी है एबीवीपी जी चेन्नई के एक तो बारे तो एक सा प्रांत अभ्यास हो के हटे है फिरोजपुर के उन्होंने दोनों के जेडे कुछ असं आगामी योजनावां तय कीतियां ने उन्होंने बारे चर्चा करांगे अज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय यह रहेगा। तो एनईसी बैठक के पहला गल करते हैं वो टोटल पांच प्रस्ताव पारित हुए हैं जिन्हें एक नैशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया जी हाल ही 31 मई को भारत सरकार के मूहरे भी रखी गई है। तो इन्होंने जो पांच प्रस्ताव ने उन्होंने काफी खुल के चर्चा हुई है उन्होंने जो मूल्यांकन किया गया उन्होंने जो समराइज किया गया वह मेन विषय यह रहा कि देश भर के एजुकेशन पॉलिसी को लेकर या सा एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या क्या चीजा क्या क्या आप दिक्कत आ रही ने उन्होंने थोड़ी खुल के चर्चा की गई है। उन्होंने भाई जतन जी को हैंड ओवर करते बात करूंगा जो प्रस्ताव पारित हुआ है हमारी एनईसी बैठक में तो उसमें सबसे पहले जो पहला प्रस्ताव है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त मूल्यों से उपरोक्त हो भारतीय शिक्षा। तो आज जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसमें हमें देखना है कि भारतीय शिक्षा में हमारे भारतीय विचार हमारी संस्कृति हमारी विचारधारा से जुड़े हुए जो आजकल हम देखते हैं कि जो हमारी शिक्षा है उसमें बाहर के जो देशों की संस्कृति है वहां की जो हिस्ट्री है उसको ज्यादा ध्यान दिया जाता है अपितु हमारी देश की हिस्ट्री को कम दिया जाता है। तो सबसे पहले तो विद्यार्थी परिषद अपील करती है कि भारतीय विचार उसमें संस्कृति जुड़े हमारी शिक्षा प्रणाली में। इसके बाद जो विज्ञान रिसर्च या टेक्नोलॉजी है वो प्रारंभिक शिक्षा से ही जुड़ी होनी चाहिए हमारी शिक्षा प्रणाली में क्योंकि आज देश को अगर आगे बढ़ना है सर्वांगीण विकास की तरफ बढ़ना है तो हर जगह टेक्नोलॉजी और साइंस की जरूरत है। और एक और विद्यार्थी परिषद जो मांग करती है वो है कि प्रारंभिक शिक्षा से ही हमारी मातृभाषा जो है या स्थानीय भाषा है उस पर जोर देना चाहिए क्योंकि स्थानीय भाषा से जो वहाँ का जो व्यक्ति है जो पढ़ने लगा है जो छात्र है उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है जो उसको वो ज्यादा समझ आती है स्थानीय भाषा तो वो देश के विकास के लिए बेहतर होगा और व्यक्ति के विकास के लिए बेहतर होगा। जो हमारी दूसरी रेजोल्यूशन रही है एनईसी ने वो थी राष्ट्रप्रथम की सोच के जनमत का अभिनंदन। तो हाल ही में आपको पता है लोकसभा चुनाव हुए हैं और उसका जो निर्णय है वो हमें पता लगा कि राष्ट्रवादी विचारधारा के हक में आया है और हम इसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम देशवासियों को बधाई देते हैं कि उन्होंने जात पात क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर इस बार अपना मत किया और राष्ट्रवाद की सोच को प्रथम रखते हुए मत किया और एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार को देश की प्रणाली में लाया। इसी के अलावा इसी दौरान जब ये लोकसभा चुनाव चले हुए थे इनसे पहले हमने एक अभियान चलाया था पूरे देश भर में नेशन फर्स्ट वोटिंग बस जिसमें हमने 100% मतदान और नोटा का प्रयोग ना करने पर जोर डाला था और हमें बहुत खुशी है कि नोटा का प्रयोग कम हुआ है और टोटल काउंट वोटिंग काउंट बहुत बढ़ी है देश में। इसके अलावा जो तीसरा हमारा प्रस्ताव पारित हुआ एनईसी में वो है कैंपस एक्टिविज्म यानी जो परिसर सक्रियता है और ये कैंपस एक्टिविज्म ही नए भारत की रचना करने में हमारी मदद करेगा। कैसे जैसे आज कैंपस है वो केवल एक शिक्षा का केंद्र नहीं रह गया है बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां से समाज और देश के मुद्दों से जुड़ते हैं। आज का एक विद्यार्थी परिषद एक नारा देती है कि आज का छात्र आज का नागरिक है कल का नहीं यानी उसको आज जो समस्याएं देश में उत्पन्न हो रही हैं उसमें भागीदारी सहभागिता अपनी निश्चित करनी जरूरी है क्योंकि यदि अगर वो आज सहभागिता करेगा तो ही वो देश को आगे बढ़ा सकता है। और विद्यार्थी परिषद इस पर कड़ा जोर देती है कि कैंपस एक्टिविज्म हर एक कैंपस में पूरे जोर शोर से चलना चाहिए। अब मैं माइक परविंदर जी को पिछले दिन एबीवीपी वालों एक अभ्यास वर्ग जो फिरोजपुर जेनेसिस डेंटल कॉलेज अंदर किया गया यह अभ्यास वर्ग 7 तरीक तो लैके 10 तरीक तक चलिया जिसे पूरे पंजाब तो पंजाब की हर इकाई तो जिथे पंजाब के जिले तो विद्यार्थी आए उन्हें 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उस तो बाद भाग लैन तो बाद इन्होंने विद्यार्थियों ने 150 विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी तो तकरीबन 21 के करीब विद्यार्थी उस अभ्यास वर्ग उस अभ्यास वर्ग साढ़े राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी साढ़े पंजाब स्तर के अधिकारी रहे उन्होंने दसिया कि एबीवीपी का इतिहास के विकास किवें एबीवीपी ने 1949 तो देश जो प्रीतियां उन्होंने खिलाफ मूवमेंट शुरू की किवें एबीवीपी ने लोगों नौजवानों 20 साल तो 18 साल तक उन्होंने वोटिंग पाने का प्रोसैस उन्होंने हक च नौजवानों के हक च खड़ी तो 18 साल के लोगों को वोट पाने का अधिकार मिले इन्होंने सारिया चीज़ों एबीवीपी ने अभ्यास वर्ग बड़ी चंगी तरह डिस्कस किया आने वाले जिन्हें भी आगामी प्रोग्राम ने वह तय किए अभ्यास वर्ग के जो चलने